रेटिनोपैथी एक ऐसी कंडीशन है आंख के पर्दे की जो आजकल बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जा रही है। पहले आंखों की रोशनी कम करने के सबसे जो मुख्य कारण थे वो थे मोतियाबिंद, समलबाई और चश्मे का नंबर, लेकिन आज के दौर में बदलती हुई ज़िंदगी के साथ जैसे डायबिटीज़ के आंकड़े बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से डायबिटिक रेटिनोपैथी के परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डायबिटिक रेटिनोपैथी है क्या। हम सब ये तो जानते हैं कि डायबिटीज़ किडनी को इफ़ेक्ट करता है, डायबिटीज़ नर्व को इफ़ेक्ट करता है, मगर मैंने अक्सर देखा है मरीजों में कि वो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में नहीं जानते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे आँख के पर्दे के माइक्रो ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करना शुरू करती हैं और धीरे 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 वो हमारे पूरे पर्दे को जकड़ लेती हैं। पूरे पर्दे में ब्लड आने की आशंका रहती है, पूरे पर्दे में फाइबर्स बनने की चांसेस रहती हैं और अल्टीमेटली एंड स्टेज में पूरा का पूरा पर्दा उखड़ सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी को समय पे जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इलाज बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही लंबा होता है और जितना ज़्यादा हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की आगे स्टेजेस में चलते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसका इलाज जटिल हो जाएगा। तो वो कौन लोग हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क पे हैं? वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ 10 साल से ज़्यादा है, वो लोग जिनकी शुगर आम तौर पे 200 से ज़्यादा हाई रहती है और वो लोग जिनको डायबिटीज़ के साथ साथ और भी कुछ बीमारियां हैं जैसे कि वज़न ज़्यादा होना, जैसे कि ब्लड प्रेशर होना, थायराइड होना इत्यादि। हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को कैसे सही समय पे पकड़ सकते हैं? डायबिटीज़ जिन लोगों को 5 साल से ज़्यादा है, या फिर आप ये पकड़िए कि जब भी आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ आप एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, प्रेफरेबली एक रेटना स्पेशलिस्ट या एनी प्रैक्टिसिंग ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, कोई भी प्रैक्टिसिंग आई डॉक्टर के पास आप जाइए और आप अपने पर्दे की दवा डाल करके डिटेल में जाँच करवाइए ताकि हमें पता चल सके कि डायबिटीज़ आँख के पर्दे पर अपने अर्ली साइंस तो नहीं पैदा कर रहा। कई प्रकार के एडवांस टेस्ट जैसे कि OCT, मैक्युला, फंडस फोटो, फंडस एंजियोग्राफी होते हैं जिनके द्वारा हम डिटेल में देख सकते हैं कि डायबिटीज़ ने पर्दे के किस हिस्से को इफ़ेक्ट किया है एंड अकॉर्डिंगली हम आपका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी पता चल जाए तो दवाइयों की मदद से, खाने वाली गोली के मदद से हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को उसी स्टेज पे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे आगे की स्टेजेस के लिए हमें लोकलाइज लेज़र या पूरे पर्दे के चारों तरफ लेज़र की आवश्यकता पड़ सकती है। उससे आगे की स्टेजेस पे हमें कभी आँखों में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही एडवर्स केसेस में आँख के पर्दे का ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को सही समय पर जानें, उसका सही समय पर इलाज कराएँ ताकि हम पूरी तरह अंधकार से अपनी आँखों को बचा सकें। Follow us to stay updated on debates, discussions, facts and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates.